निशा दीदी जी, मुझे पढ़ना था। हाँ पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं। ओम शांति। आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो हाँ कल की हम लोग आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो मुली है, मनसा द्वारा प्रकृति को सत्वगुणी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना शुभ कामना रख, संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। तो मुरली को थोड़ा ऊपर करेंगे। तो बाप दादा कह रहे हैं अच्छा, इस सेकंड पार्ट में सारे जो जोन है उनसे मुलाकात हो रही है। तो अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं? उठो, यह सभी पहली बारी आए हैं। अच्छा, पहले बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। सभी आपके भाई बहने और बाप दादा भी आप सभी को पहले बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे क्योंकि चांस है कि थोड़ी देरी से आए हैं। जो चाहे वह अभी भी लास्ट सोफा जा करके फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। यह बाप दादा का जो भी आ जाए हैं उन सभी बच्चों को वरदान है। सिर्फ जो बाप के माँ बाप के हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे। सिर्फ जो बाप के माँ बाप के हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीजन में ला सकती है, लाएगी। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना है कि आप जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे, जहां भी आते हो वहां आपको दुआएं मिलती रहेंगी और वह दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएंगी, यह निश्चय रखो। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल। पंजाब तो है ही शेरे पंजाब, तो पंजाब तो शेर अर्थात बारिश निकालने वाले। हर एक सेंटर अपने बारिश क्वालिटी की लिस्ट भेजना। शुरू से लेके अभी तक हर एक सेंटर से कितने बारिश क्वालिटी निकले और बारिश क्वालिटी तो आज कहाँ भी छिप नहीं सकती है। वैसे तो बाप दादा आज भी वह भी देखने चाहते हैं कि बुलंद स्वरूप के माइक कितने हैं। कल्पना बहन, आवाज मेरी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, जिसका आवाज दिल का सुन के औरों की दिल भी दिलाराम के तरफ आकर्षित हो। लेकिन बाप दादा ने सुना है कि वर्ग बहुत मिलने हैं, वह वर्गों से पूछेंगे। लेकिन पंजाब वाले सभी सेंटर चाहे
छोटा है या बड़ा है बारिश क्वालिटी, कितनी निकले हैं, कब से निकले हैं, क्योंकि पंजाब भी पहले पहले निकला है। पंजाब में भी बहुत महावीर महारथी सेवा के अधिकारी बने हैं, पालना मिली है, कई पूर्वज भी सेवा करके गए हैं। बाप दादा का भी पंजाब से प्यार है, क्यों क्यों प्यार है, क्योंकि पंजाब में नदियां भी बहुत हैं। तो जैसे पंजाब की नदियां मशहूर हैं, ऐसे ही बाप दादा की तरफ से पंजाब के सेवादारी भी प्रसिद्ध हैं, त्याग करने और कराने में भी होशियार हैं। इसलिए वारिस क्वालिटी निकालना भी सहज है। बाप दादा हर जोन को नंबर वन देने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा है कि सब जब जोन आते हैं तो अभी तक कोई भी जोन कम नहीं आया है, एक दो से आगे आए हैं। इसलिए पंजाब को जो निकले हुए सेवा से हैं, उन्हों को खास सेवा करके वारिस क्वालिटी में लाना है, ला सकते हैं, ध्यान देंगे तो निकल जाएंगे। सिर्फ क्वालिटी को समझकर उनके ऊपर थोड़ा शुभ भावना शुभकामना की विशेष मेहनत करना, थोड़ा सा विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्वालिटी है। अभी समय भी थोड़ा सा वैराग्य का है, चारों ओर कल अल्पकाल का वैराग्य आया हुआ है। ऐसे समय पर हर जोन ऐसी क्वालिटी को यह समझ आगे सहज बढ़ा सकते हो, यज्ञ स्नेही यज्ञ रक्षक बना सकते हो। अभी ताजा वैराग्य है तो पहले आज पंजाब का टर्न है, तो पंजाब पहला नंबर आरंभ करे अच्छा है। बाप दादा सबका मुखड़ा देख रहे हैं, चाहे दूर हैं लेकिन टीवी में नजदीक है देख रहे हैं। अच्छा, आठ विंग्स वाले आए हैं, समाज सेवा विंग, दो ट्रांसपोर्ट मीडिया प्रशासक, साइंस एंड इंजीनियर, मेडिकल सिक्योरिटी, आईटी, सभी विंग के भाई बहनों को खड़ा किया गया। मेजॉरिटी तो विंग वाले ही दिखाई देते हैं और बाप दादा जो भी सभी विंग आए हैं और सेवा कर रहे हैं, तो बाप दादा ने देखा विंग्स के सेवा के रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो रही है, क्योंकि चारों ओर सेवा करने से अलग अलग हो गए हैं ना, तो हर एक अपने अपने विंग में दिन प्रतिदिन उन्नति कर और आत्माओं को नजदीक ला रहे हैं। इसलिए बाप दादा का हर एक विंग के ऊपर सेवा के ऊपर खुश है। ताली तो बजाओ, अभी आगे बढ़ के क्या करना है। सेवा तो विस्तार को प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी जो सेवा से समीप आए हैं उन्हों को हर एक दिन इकट्ठा करके उन्हों को यज्ञ स्नेही बनाओ। यज्ञ स्नेही बनने से एक बारी आए यज्ञ में वह अलग बात है, लेकिन उन्हों को यज्ञ क्या चीज है, यज्ञ के प्यार से क्या होता है, नजदीक लाओ। थोड़ा घरू बनाओ, भाषण सुनते हैं भाषण करते हैं इसमें पास है, लेकिन परिवार का साथी बन जाए वह भी लिस्ट निकालो। हर एक विंग से कितने यज्ञ के संपर्क में आए हैं। बाप दादा को सुनाया था कि कई आत्माएं मुरली तक पहुंचे हैं, यह भी अच्छा है। जैसे मुरली तक पहुंचे हैं वैसे यज्ञ स्नेही क्या होता है, यज्ञ स्नेही निमित्त आत्मा क्या क्या कर स्वयं को आगे बढ़ा सकती है। अभी ऐसे निमित्त आत्माएं निकालो, भाषण में मददगार बने हैं और उनको भी परिचय देने के निमित्त बने हैं। इसकी तो बाप दादा ने मुबारक दी, मुरली तक भी पहुंचे हैं, अभी उन्हों को आगे बढ़ाओ। जो अपने को सिर्फ सहयोगी नहीं लेकिन स्नेही भी अनुभव करे, यज्ञ स्नेही यज्ञ सहयोगी परिवार का भाती है, चाहे वीआईपी है लेकिन परिवार का भाती है, परिवार के समीप है। ऐसे धीरे धीरे उन्हें जैसे आप निमित्त हो सेवा करने वाले, ऐसे वह भी अपने को जिम्मेवार समझे, तो वर्ग बनने के बाद सेवा में वृद्धि हुई है। कई आत्माओं को पता ही नहीं था, वह पता हुआ है। ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, कर्तव्य का भी परिचय पड़ा है, अभी आगे बढ़ाओ।
एक तो रेगुलर प्रेजेंट मार्क चाहे सामने नहीं आ सकते, लेकिन फोन द्वारा या किसी भी विधि द्वारा अपनी प्रेजेंट मार्क करें, क्योंकि घर का भाती है तो प्रेजेंट मार्क तो करेगा ना। ऐसी लिस्ट बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो हर जोन से निकालो और उन्हों का संगठन करके उन्हों को उमंग उत्साह में लाओ। हर एक जोन वाला सिर्फ अपने रहने वाले सेंटर का नहीं, लेकिन जो वर्ग है, जो हेड है वर्ग के, वह सभी जोन में ऐसी निकाल के तैयार करें, उन्हों का संगठन करें, तो एक दो को देखेंगे, देख के भी उमंग में आते हैं। उस संगठन का समाचार नहीं आया कि हमने अपने वर्ग का सभी जोन का इकट्ठा संगठन किया और यह क्वालिटी आई। बाकी बाप दादा खुश है कि कॉमन रीति से अटेंशन गया है, अटेंशन देके कर भी रहे हैं। अभी संगठन तैयार करो, जो भी कनेक्शन में आए हैं, चाहे VIP चाहे IP हैं, लेकिन उन्होंने सेवा कितनी की, संदेश कितनों को दिया, यह समाचार लेना पड़ेगा। उन्हों को भी रुचि बढ़ेगी कि हमारी रिजल्ट मधुबन में जाती है। बाकी बाप दादा ने पहले ही आप सबको सुनाया कि सेवा का उमंग है, सेवा कर भी रहे हैं, उसकी मुबारक तो बाप दादा पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, हर एक वर्ग जैसे एक एक उठे हो ना, तो हर एक वर्ग यह समझे कि बाप दादा के सामने हर एक वर्ग है, चाहे पीछे भी है तो भी सामने है। बाप दादा आप एक एक वर्ग को अपनी नजदीक ही देख रहे हैं, इसलिए पदम पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। 600 डबल विदेशी भाई बहनी 50 देशों से आए हैं। बाप दादा को विदेशी विशेष याद आते हैं, याद तो सब बच्चे आते ही हैं, लेकिन विदेशियों का नाम सुनकर भारतवासियों को उमंग आता है कि जब विदेश वाले परमात्मा को जान वर्षे के अधिकारी बने हैं तो हम वंचित नहीं रह जाएं, उमंग आता है। इसलिए अभी सेवा में विदेशी और भारतवासी इकट्ठा प्रोग्राम करने शुरू किया है। जानते हैं कि जब विदेश वाले पहचान गए तो हम रह नहीं जाएं, उमंग आता है। तो आप भारतवासियों को आगे बढ़ने का उमंग दिलाने वाले निमित्त आत्माएं हो, इसलिए हर एक वर्ग वाले भी कोशिश करते हैं। जैसे अभी दिल्ली में भी मिलके प्रोग्राम बनाया है, ना चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, लेकिन जो एक तो भी विदेशी अपना दिल से उमंग से अनुभव सुनाते हैं, वह टॉपिक पर बोलते हैं, तो सुन के खुश होते हैं, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कहा है कि विदेश वाले भारत को जगाने के निमित्त बनेंगे। तो देखा गया है तो यह सेवा दिन प्रतिदिन विदेशी भी करते हैं और भारत वाले भी मिलाने की कोशिश करते हैं। कोई भी बड़ा प्रोग्राम कहाँ हो तो जैसे आदि में विदेश की तरफ से कोई ना कोई विशेष VIP आता रहा है, शुरू में ऐसे ही अभी भी यह कोशिश करो कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम कहाँ भी हो तो कोई ना कोई VIP निमंत्रण पर आवे। शुरू शुरू में यह बहुत अच्छा पार्ट चला है। अभी भी एक तो ब्राह्मण आत्माएं का अनुभव और दूसरा VIP कोई ना कोई पार्टधारी बने तो भारत और विदेश, विदेश भारत को जगाएगा, भारत विदेश को जगाएगा। यह सेवा होते होते आखिर भी विदेश में हमारे राज्य में कौन कौन आने हैं यह प्रसिद्ध होता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो विशेष आत्माएं आती हैं तो गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचता है, उनको उनकी देखभाल करनी पड़ती है, अखबार में नाम आता है, तो इससे सेवा का सहज साधन है। तो विदेश सेवा कर रहा है, यह बाप दादा के पास रिकॉर्ड है
और अभी सभी वर्ग वाले भी चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम प्रमाण जैसा प्रोग्राम है उसी अनुसार विदेश भारत को जगावे और भारतवासियों का इतना बड़ा रूप देख करके विदेशी भी जागे। तो बाप दादा खुश हैं कि हर बात में विदेशी एवर रेडी है। एवर रेडी का पाठ अच्छा बजा रहे हैं ना, नहीं करते हैं तो भारत के वर्ग वाले भी ऐसे प्रोग्राम बनावे, जोन वाले भी ऐसे प्रोग्राम बनावे जिसमें दोनों का मेल हो जाए। बाप दादा ने देखा कि विदेशी भी एवर रेडी है, भारतवासी भी एवर रेडी है, लेकिन प्रोग्राम ऐसे बनाओ बाकी विदेशी बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं। मेरे बच्चे बिछुड़ कर कहाँ कहाँ चले गए, बाप दादा ने ढूंढ लिया ना आप लोगों को, कितने देशों के आते हैं। तो हर देश में अपने बच्चों को बाप ने ढूंढ लिया, खुशी होती है ना। आप तो बाप को ढूंढ नहीं सके, लेकिन बाप ने कोने कोने से आपको ढूंढ लिया, क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी हो। हर कल्प बाप दादा आपको निकालते ही रहते हैं, मिस हो नहीं सकते हो। बाप के बच्चे बाप के पास आने ही हैं, तो बिछड़े हुए बच्चों को देख बाप खुश तो होता है ना। वाह मेरे बच्चे, मधुबन को भी सजाते रहते हो। बाप दादा ने देखा है विदेश की तरफ से बाप दादा को बहुत सहयोग, चाहे तन में, चाहे मन में, चाहे धन में, सब रीति से यज्ञ में ही बाप दादा के सही है और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक एक को बाप दादा दिल का प्यार और दुलार दे रहे हैं। अच्छा, दादी जानकी से। अच्छा, सभी खुश होते हैं। खुश करने के आज के दो तरीके हैं, एक क्लास दूसरा टोली। अच्छा अच्छा पाठ बजा रही हो, बाप दादा खुश हैं। मोहिनी बहन से, यज्ञ में हर एक का पार्ट अपना अपना आवश्यक है। कोई भी एक्टर निमित्त सेवाधारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं मालूम पड़ता है। हर एक पार्ट अपना अपना महत्व का है। कोई का भी पार्ट अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ जाता है। यह बाप का वरदान एक एक कॉमन पार्टदारी को भी है। जैसे भंडारे वाले हैं तो कॉमन पार्ट, लेकिन भंडारे वाला नहीं हो तो काम नहीं चले, सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले, क्लास कराने वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। हर एक एक्टर को ड्रामा अनुसार जो पार्ट मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूँ। ड्रामा ने हर एक को, चाहे छोटा सा कार्य है लेकिन वह भी जरूरी है। पांच उंगलियां हैं, एक उंगली भी मिस हो जाए तो फर्क पड़ेगा ना, तो यज्ञ की यही विशेषता है। बहुत बढ़िया लाइन है ये। जो भी जिसको पार्ट मिला है ना, वह बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा यह है, अभी डॉक्टर नहीं होता तो तुम चलती, यह जरूरी है ना। हर एक पार्टधारी यज्ञ के निमित्त है, यज्ञ की जरूरी आत्मा है। आज सफाई वाला नहीं आए तो आप लोगों को अच्छा लगेगा बैठना, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा बैठना, जरूरी है ना। पर दादी से, आपका भी पार्ट जरूरी है, आपकी शक्ल देखकर कुछ करो भी नहीं तो भी खुश हो जाते हैं। बोली, पर दादी का जन्मदिन है। वाह, जन्मदिन है पर दादी का, मुबारक हो मुबारक हो। तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता भेंट करते हुए होली की मुबारक दी। सभी होली आत्माओं को होली की मुबारक हो मुबारक हो। विदेश की चार बड़ी बहनों से, मोहिनी बहन, जयंती बहन, सुदेश बहन,
निर्मला बहन, बाप कहते हैं बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स जो बाप को प्रत्यक्ष किया, करण करावन हार ने कराया, लेकिन बच्चों ने किया ना, तो बच्चों को थैंक्स। बाप बच्चों के बिना क्या करेगा, बाबा ने कराया, दोनों एक दो के साथी हैं। अच्छा, बाप दादा ने बहनों को गुलदस्ता दिया, चारों ही लो हाथ लगाओ। दादी जानकी को भी गुलदस्ता दिया, इसका भी पाठ चल रहा है ना, विशेष पाठ चल रहा है। बाप दादा ने देखा, अभी आप सबका अटेंशन भी भारत तरफ है, कोई ना कोई सहयोग देने के लिए एवर रेडी है। भारत विदेश को, विदेश भारत को सहयोग देते, दोनों मिलके चलना और करना, यह लक्ष्य अच्छा है। जयंती बहन कराची जा रही है, अभी रिजल्ट अच्छी है, बढ़ रही है, कोई ऐसी क्वालिटी निकले। जापान में जो गैस निकल रही है वह अभी फिलीपींस अमेरिका तरफ भी फैल रही है, जो गैस निकलेगा वह कहाँ तो जाएगा, बाकी अपनी संभाल करनी है। गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देती है उसका थोड़ा पालन करते रहो, ऐसे नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, जो डायरेक्शन देते हैं उसका थोड़ा ध्यान रखो। बाप दादा ने बच्चों के संग होली खेली और सबको होली की मुबारक दी, सभी ने होली मनाई। आपकी तो सदा ही होली है, अर्थात बाप के साथ, बाप की पालना में रहते हो, बाप के साथ उठते हो, बाप के साथ बातें करते हो, बाप के साथ वरदान लेते हो और वरदान देते हो। तो जो आज होली पर वरदान लिया वह कभी भी बाप से अलग अकेले नहीं होना है, साथ हैं, साथ चलेंगे और फिर साथ में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। तो साथ शब्द निभाना है, एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, अभी यही स्मृति सदा रखना। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, थैंक यू निशा बहन जी। अभी सभी एक मिनट साइलेंस में रहेंगे और पोल लॉन्च करेंगे, उसका भी रिप्लाई कर सकते हैं।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सिर्फ जो बाबा के महावाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत श्रेष्ठ डिवीजन में ला सकती है। वरदान तो बाबा का होता है, लेकिन शुभावना शुभकामना है कि जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे, जहाँ भी आते हो वहाँ दुआएं मिलती रहेंगी और वह दुआएं तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएंगी। बाबा ने कहा यह निश्चय रखो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा सार्थ शब्द पे विशेष अटेंशन दिलाया। बाबा ने कहा कि बाबा के साथ हैं, साथ चलेंगे और फिर साथ में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे, तो सार्थ शब्द निभाना है, अर्थात एक सेकंड भी बाबा से अलग नहीं होना है, एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना है। और यही बाबा ने कहा कि सदा स्मृति में रहो, क्योंकि बाप के साथ हैं, बाप की पालना में रहते हो, बाबा के साथ उठते हो, बाबा के साथ बातें करते हो, बाबा के साथ वरदान लेते हो, वरदान देते हो। तो बाबा ने कहा कि कभी भी अकेले नहीं होना है, सदा साथ बाबा के साथ रहना है, एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विदेश भारतवासियों को उमंग लाने के लिए विदेश वाले परमात्मा को जानकर वर्षा ले लिए, वर्षा के अधिकारी हो गए, तो हम वंचित कैसे रह सकते हैं। तो बाबा विदेशियों को देखकर उमंग उत्सव बढ़ाने की बात कर रहे हैं भारतवासी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते जो चाहे वह अभी लास्ट सो फास्ट जा करके फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। ये बाप दादा का जो आज आए हैं उन सभी बच्चों को वरदान है। सिर्फ जो बाप के महावाक्य उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीजन में ला सकती है, लाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला बाप बाबा साथ रहेंगे, बाप साथ चलेंगे एवं राज्य में ब्रह्मा बाप साथ आएंगे, एक सेंट भी ना छोड़ना बाबा को, माने चलते फिरते सब समय बाबा के साथ नहीं चलना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मोहिनी दीदी से बात करते हुए बोला है कि सभी का पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है यज्ञ में, चाहे सफाई करने वाला हो, चाहे भाषण देने वाला हो, भंडारी संभालने वाला है। तो बाबा ने ये बताया है कि जो भी हमें पार्ट मिला है उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है और उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में जो जहाँ भी है, चाहे मधुबन में, चाहे वहाँ भी हम यमुना लौकिक में है, तो वहाँ पे हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है यज्ञ के, वो हमको समझना चाहिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक का पार्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यज्ञ में। फंक्शन। ओम शांति। आज बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों के पार्ट पर कहा है कि ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, कर्तव्य का भी परिचय पड़ा है, तो अभी आगे बढ़ाओ। एक तो रेगुलर प्रेजेंट मार्क, चाहे सामने नहीं आ सकते लेकिन फोन द्वारा किसी भी विधि द्वारा अपनी प्रेजेंट मार्क करें, क्योंकि घर का भाती है तो प्रेजेंट मार्क तो करना ही चाहिए, करेगा ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि विदेश के जो भी वीआईपी आते हैं, जब वो भारत में आते हैं तो गवर्नमेंट का विशेष अटेंशन जाता है, तो उनको उनको भी जो भी गवर्नमेंट में मुख्य है उनको भी उनके साथ आना पड़ता है, तो बाबा बोलते हैं इससे बहुत अच्छा सेवा होती है। ओम शांति। आज बाबा ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा कि बच्चे चाहे पीछे भी हैं लेकिन तो भी बाप के सामने हैं,
और बाप दादा का एक एक वर्ग को अपने नजदीक ही देख रहे हैं, इसलिए पदम पदम गुड़ा मुबारक। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जैसे मुरली में आज लास्ट में कहा कि जब बाबा ने सबके साथ होली मनाई और फिर बाबा ने सबको वरदान भी दिया और कहा कि हम सभी को साथ शब्द निभाना है, एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना है बाबा का, तो कैसे साथ निभाएं इसके ऊपर सभी डिस्कस कर सकते हैं, कैसे हम पूरा दिन भर या आप जैसे करते होंगे वो सभी शेयर कर सकते हैं। शांति, सभी को सुना? हाँ जी दीदी, सुनाई देता है। ओम शांति। इसमें बाबा के साथ बात जो बाबा ने कही ना, वो रूरिहान जब हम करते हैं तो जैसे हमारे साथ कोई है कॉन्स्टेंटली, ऐसे ही हम अपने आप बोलते हैं। कोई अगर हमें देखता है तो ऐसे उनको लगता होगा कि अकेले अकेले अपने आप से क्या बड़बड़ कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या थोड़ा हो गया है उसका ढीला स्क्रू, ऐसा लगता है। वो कैसे कई बार कमेंट्स भी मिली है कि अपने आप ऐसे हम हंसते रहते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है घर वालों को, लेकिन हम वो सब पे ध्यान नहीं दे और बाबा ने जो हमें कहा है वो हमें करना है। बाबा के साथ बातें करते रहते हैं, बाबा के साथ क्वेश्चन भी पूछते हैं, रूरिहान करते हैं, बाबा के साथ अकेले बैठ के ऐसे बोलते हैं, अच्छा बाबा आइए अभी आपके साथ हमें बात करनी है, कोई ऐसे सीरियस बात होती है तो ऐसे जैसे हम कई घर के बड़े के साथ ऐसे बात करते हैं ना बैठ के, तो ऐसे भी बात करते हैं तो अच्छा लगता है कि जैसे बाबा को एकदम आगे रखते हैं। कोई भी चीज चाहिए, बड़ी चीज चाहिए या घर में कुछ बड़ा होने वाला हो या तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कार्य होने वाला है तो क्या करें, उसके लिए भी बाबा के पास जाके पहले प्रस्ताव रखते हैं कि ये बाबा क्या ये होने वाला है या होना है या करने वाले हैं तो क्या करें हम, तो ऐसे हमेशा बाबा के साथ बाबा को पहले बता के करते हैं और बाहर जाते हैं। वो तो हम सब आई एम श्योर सभी भाई बहने करते ही होंगे, जब भी हम बाहर जाते हैं तो बाबा को साथ लेके चलते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ जी बहन बोलिए, आप बोलिए। हाँ, बाबा के जो भी भंडारे में सामान आता है चाहे कहीं से गिफ्ट हो या चाहे हम खुद लेकर आए, वो बाबा के भंडारे में रख देते हैं और वहां से फिर लेते हैं तो ऐसे लगता है कि बाबा का दिया हुआ भंडारा है। तो इस तरह से बाप से बात भी हो जाती है, बाप को थैंक यू भी बोल देते हैं और हर छोटी बड़ी चीज कोशिश करते हैं कि वो बाबा के उस पे रख दे और बाबा से ही उसको प्राप्त करे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि तेजल बहन जी ने बिल्कुल सही कहा कि सुबह अमृत वेला से के बाद से ही जब हम बाबा से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अगर हमारा डेली रूटीन का काम है जैसे कि हम लोग घर का काम करते हैं तो बाबा चलो आओ कपड़े धुल लेते हैं, बाबा चलो खाना बनाते हैं, इस तरीके से जब हम बातें करते रहते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे, ये तो तेजल बहन जी ने कहा भी है कि आपको फील होगा कि बाबा आपके साथ चल रहा है। इवन छोटी छोटी चीजें जब हमसे कुछ अगर मैं अपनी बात कहूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे चाकू नहीं मिल रहा होता या मुझे कोई चीज नहीं मिलती है तो मैं बाबा से बोलती बाबा चाकू नहीं मिल रहा, तो तुरंत संकल्प आता कि वहां पर देखो, तो ऐसे ऐसे देखा कि हाँ वहां पर मिल जाता है। बहुत सारी ऐसे पूरे दिन में चीजें ऐसी होती हैं जब अटकने लगते हैं हम तो बाबा से बोलते हैं कि बातें बराबर से होती रहती हैं, तो बाबा से बोला बाबा ऐसा नहीं हो रहा, बाबा ऐसा नहीं हो रहा, तो वो सारी इतना इजीली हमारा सारा दिन का जो काम है इतना परफेक्टली खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे बाबा कहते हैं ना कि जब आप मुझे साथ रखोगे तो आप लाइट रहोगे, आपका काम या आपको बोझ नहीं लगेगा,
तो मुझे सबसे ज्यादा जो अनुभव होता है बाबा से बातें करने का, योग तो ठीक है लेकिन जिसे बोलते हैं ना कर्म योग, जितना ज्यादा आपका कर्म योग परफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा आपको बाबा का साथ का अनुभव होगा। इवन मैं आपको बताऊं कि इतना ज्यादा होता है, कई बार मैं सोफे पे बैठती हूँ और मैंने बाबा को नहीं बुलाया कि बाबा आके बैठे, तो मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि बाबा खुद से आके बैठ गया, तो मुझे याद आ रही मैं तो बाबा से बात कर रही थी इसीलिए बाबा मेरे पास आके बैठ गया। मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा कि एक होता ना कि कई बार हम लोग कहते हैं अरे स्कूल में कोई हमें चाहिए बोलने के लिए, बाबा ने कई बार मम्मी ने अपने कहा भी है कि जब आप इतना ज्यादा मुझे याद करेंगे तो आपको किसी स्थूल में किसी मनुष्य की या किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अनुभव होता है कर्मयोग में जब आप बाबा से एक वन टू वन बात करते करते ही सारा घर का काम करते हो, इवन लोगों से बात करते हो, इतना ज्यादा आनंद आता है। तो यही मेरा अनुभव है। थैंक यू। ओम शांति जी। बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी, मुझे भी ऐसे मालूम होता है जैसे दीदी ने बताया, हमेशा कोई परिस्थिति आता है तो मैं बाबा को सामने ले आती हूँ, बाबा आप ही संभालो, तो मुझे घर से भी रेस्पॉन्ड आता है क्या क्या करना है, तो अंदर से ऐसे मुझे आंसर मिलता है, तो या करना है वो करना है ऐसे भी मुझे रेस्पॉन्ड बाबा से मिलता है। मुझे लगता है बाबा मेरे साथ है, वो जो भी मुझे रेस्पॉन्ड मिलता है वो इस तरफ में करती हूँ, मैं सक्सेसफुल भी होती हूँ, तो मुझे लगता है बाबा हमेशा मेरे साथ है। मैं ज्यादातर दिन भर बाबा से बात करती रहती हूँ, बाबा क्या करना है, बाबा मुझे मैं या कर रही हूँ ठीक है या नहीं, मुझे भी बाबा बहुत साथ में, मुझे जैसे लगता है बाबा हमेशा मेरे साथ। जी ओम शांति। दीदी अब मेरा अनुभव तो ऐसा है कि जैसे मुझे ना करीबन 90 किलोमीटर जाना होता है, तो 90 किलोमीटर जाना और 90 किलोमीटर आना, तो फिर मैं हमेशा ना बाबा को साथ रखती हूँ, क्योंकि ऐसे होता है ना कि अकेली लेडीज इतने 90 किलोमीटर जाना और 90 किलोमीटर आना, इतना काफी ये सफर ही काफी लंबा हो जाता, और ऐसे समय में अगर अकेले जाते हो आप बाइक कार, तो फिर आपको कैसे ऐसा लगता है ना कि कैसे कोई साथ नहीं है, अकेले तो नहीं, तो फिर मैं ऐसे ना निकलते निकलते बाबा को बोल देती हूँ बाबा चलो अब चल साथ चलते हैं, बस बाबा को साइड में रख दे, साइड में है बाबा तो बिल्कुल कोई मतलब रास्ते में भी कोई कुछ भी नहीं, कुछ ऐसे होता है ना तो अभी रास्ते में चलाते समय भी कैसे ना कोई कैसे ट्रैफिक में कैसे भी चलाते हैं तो गाड़ी, तो फिर मैं बोलते बाबा ये कैसे 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 चला लेते हैं गाड़ियां, तो बच्ची फिर ऐसे ऐसे लगता बच्ची तू सीधा चला, तू अपना देख मत देख किसी का, तू अपना देख और चल, अपना अपना हमें पहुंचना है, हमें समय में 10:30 तक पहुंचना है, फिर निकलते थे मैं आराम से, मतलब इतना सफर सिर्फ बाबा के साथ, बाबा साथ है इसीलिए कर पाती हूँ, मतलब बाकी सब भी ऐसे आश्चर्य करने लगते ना कि तुम अकेले कैसे इतने लंबा चली जाती हो, और अकेले अकेले जाती हो, अकेले जाती हो, अकेली है तो ऊपर वाला है ना साथ में, ऐसे बोलते भी कैसे है, हम सामने वाले को बोलते समय ऐसे बोलेंगे ना कि नहीं है ऊपर है हमारे साथ में बाबा है, तो फिर जो जो इसमें है बीके में है उनको मैं बोलती हूँ बाबा है साथ में, और फिर जो नहीं है उनको बोलती ऊपर वाला है साथ में, उनके भरोसे में उनके साथ में मैं आ जाती हूँ। ओम शांति जी। रीमा दीदी जी आप बोल रहे थे। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनों ने जो अपने अनुभव शेयर किए उसके साथ एडिशन करना चाहेंगे कि जैसे सुबह आंख खुलती है, अमृत वेले आंख खुलते ही बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा ये करना, और फिर शाम को जब रात में भी जब सोते हैं तो उससे पहले बाबा को अपना पूरा चार्ज जैसे रूरियान करना, और बीच बीच में भी कोई भी बात हो जाती हर घंटे बाबा को पूरी दिनचर्या देना, बाबा ये आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर शाम रात में भी जब पूरा चार दिनचर्या देके बाबा की गोद में सो जाना कि हाँ बाबा बस अपनी गोद में सुला लो, तो पूरे दिन का वही हो गया, फुल स्टॉप भी लग जाता इससे, और बाकी तो अपने हर दिनचर्या के कार्य करते, भोजन बनाते, भोजन
ग्रहण करके भी बाबा को साथ में लेके हर घंटे ऐसा भी करते हैं कि जैसे बाबा मेरे सर के ऊपर एक फुट की दूरी पर है, छत्र छाया है और बाबा से सारी किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और मैं किरणों में सुरक्षित हूँ, एक ऑरा है बाबा का, तो वो भी साथ में लेके चलते हैं। ओम शांति जी। कविता जी बोल दीदी, सुबह उठने से अमृत वेले से ही बाबा का साथ साथ रहता है, कुछ भी बना रहे होते हैं तो बाबा ये बना रहे हैं तो बाबा के साथ रहते हैं, और खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पे बाबा को एक चेयर पे बिठा के कि बाबा आप भी बैठो मेरे साथ खाना खाओ, मुरली सुनने स्कूटर पे जाना होता है तो बाबा को कभी पीछे बिठा के कभी आगे बिठा के कि आप ही स्कूटर चलाओ, या फिर बाबा को पीछे बिठा के अच्छे से बैठना बाबा पकड़ के बैठना ऐसे करके, और कुछ भी काम करते समय तो बाबा को अपने साथ रखते हैं। और कई बार ऐसा फील भी हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बाबा आज क्या बनाना है या बच्चे का बर्थडे है क्या करना है, बाबा जल्दी से क्लिक करता है कि ये चीज बनाओ इस तरह से बनाओ, और बस ऐसे दिन भर बाबा के साथ रहते हैं। ओम शांति दी। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा किया। इसमें मैं एक ऐड करूंगी, तो वैसे मैं क्या करती हूँ, तो एक जैसे हम सभी का ग्रुप होता है ना, हम सबको आदत है व्हाट्सएप पे, वैसे तो कोई लौकिक ग्रुप है ही नहीं है, सारे बीके के ही ग्रुप्स हैं, तो मैंने एक ग्रुप ना बाबा के साथ बनाया हुआ है, तो उसमें बाबा और मैं होते हैं तो मैं बाबा को मैसेज करती रहती हूँ। कई बार जैसे आदत होती है ना, कई बार हम देखते हैं तो बाबा को मैसेज कर देती हूँ, कई बार बाबा मैंने ये किया ऐसे ऐसे किया, कभी रू रिहान करती हूँ, तो ये थोड़ा सा एडिशन हो जाता है कि बाबा को कई बार जो भी लिखना होता है वो सब बाबा को लिख के उसी में शेयर हो जाता है सारा मन की बात भी और जो भी है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो अभी सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, तो अभी योग का समय भी हो रहा है और आज का होमवर्क हम यही लेते हैं कि अच्छा तो कल्पना दीदी आपने भी बाबा को व्हाट्सएप में मिक्स कर दिया। हाँ, बाबा को भी व्हाट्सएप देखना पड़ेगा अभी आपके साथ देखने के लिए। मोबाइल ही यूज होता है ना, तो वो मोबाइल भी बाबा के लिए यूज हो जाए तो वो मैं पूरा दिन मैं तो एस्केप कर रही हूँ कि बाबा को भी अभी आपने व्हाट्सएप में लगा दिया कि बाबा व्हाट्सएप पढ़े। आई एम जस्ट जोकिंग। पता है क्या बाबा हमेशा दीदी वैसे ये बहुत दीदी ऐसे बहुत अच्छा आइडिया है, सो दैट इमीडिएट माइंड में आया, इमीडिएट कर दिया, पेंडिंग नहीं हुआ, पेंडिंग होने से पुरानी हो जाती है। आई लाइक इट, मतलब आई इमीडिएटली आज से शुरू करते हैं इसको। मालूम नहीं पर बाबा को बोलते, और मुझे ऐसा लगता है बाबा ऑनलाइन है, हर टाइम देख रहा है मैसेज मेरा और एकदम से रिस्पॉन्ड भी कर रहा है फटाफट मेरे बाबा मतलब माइंड में आता रहता है, और इतना हल्का लगता है ना, छोटी छोटी बात भी जो होती है लिख दो, ऐसा लगता है बस बाबा को पता चल गई वो बात मन में। रिहान व्हाट्सएप में करते हो, ऐसे बोलते हो जैसे हम बाहर ऐसे हम नोटबुक में या रात को चिट्ठी लिखते हैं, तो वो बातें आप इसमें व्हाट्सएप में लिखते हो ऐसा बोल रहे हो? मैं समझ में नहीं आया कि ग्रुप में क्या बोला बाबा, आई डिड दिस, मतलब जो भी है बाबा ऐसा बनाया मैंने, ऐसे किया उसने मुझको ऐसा बोला और अच्छा मेरे मन में ये फीलिंग आई, बाबा ये देखो ना आप इसको, मतलब हर चीज यू प्लीज टेक केयर ऑफ, लाइक जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं ना अपने खास, तो वैसे ही कभी दिल के सिंबल भी भेजती हूँ बाबा को, बाबा आई मतलब जो भी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको याद कर रही हूँ, मेरे साथ रहना, अभी मैं वहां जा रही हूँ, मेरे साथ साथ चलना, मतलब हर चीज बाबा को वो लिख भी देती हूँ क्योंकि आदत पड़ रखी है ना बहुत टाइम से ये फोन देखने की भी, तो मैं फोन में भी वो बाबा को ही वहां पर ले जाती हूँ, तो एक वो भी एक जरिया हो जाता है। थैंक्स दीदी, बहुत अच्छा शेयर किया आपने, आज से हम भी शुरू करेंगे सब गुरुवार के दिन। थैंक यू दीदी, ओम शांति। सभी का बहुत अच्छा था, तो अभी योग की तो आज पूरा दिन भर बाबा को साथ रखेंगे हम, जैसे सभी ने शेयर किया, और एक नई नई नवीनता के साथ, संबंध के साथ और कोई भी गुण के साथ आज हम पूरा दिन बाबा को साथ रखेंगे। तो अभी योग की तरफ चलते हैं। निशा बहन जी आप योग पर आएंगे जी। ओम शांति। सभी रिलैक्स होके बैठे, इस शरीर में मस्तक के मध्य अकाल तख्त पर विराजमान मैं चमक
उठता हुआ सितारा हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली इस देह से अलग चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। परमात्मा प्यार की पात्र हूँ। देव कुल की सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं सर्वशक्तिमान शिव परम पिता परमात्मा के संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा पवित्रता के सागर है। बाबा से पवित्रता की नारंगी रंग की किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा गई है। पवित्रता की किरणों से मेरी सारी कमजोरियां मेरे सारे विकार भस्म हो रहे हैं। अब मैं आत्मा एकदम चमकता हुआ बेदाग हीरा बन गई हूँ। पवित्रता के निर्णय मुझ आत्मा में से निकल कर चारों ओर फैल रहे हैं। दूर दूर से सभी आत्माओं की कमजोरियां भस्म हो रही है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू निशा बहन जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम शांति।